एक नई दिन एक नई शुरुआत। हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से गेंटिंग हाईलैंड के लिए। गेंटिंग हाईलैंड जो कुआलालंपुर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको वेदर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा। जैसे कुआलालंपुर सिटी है उससे अपोजिट मिलेगा, वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, एक काइंड ऑफ माउंटेन है। तो हम वहाँ पे चलते हैं। अभी धूप खिली खिली है, कुआलालंपुर सिटी का जो वेदर है आप देख सकते हैं धूप खिली हुई है, मौसम सुहाना है, टेम्परेचर यहाँ पे नियर अबाउट 26-27 के आसपास है। अब हम यहाँ से सीधा मेट्रो चलेंगे और मेट्रो के बाद हम वहाँ से बस लेके चलेंगे गेंटिंग हाईलैंड। गेंटिंग हाईलैंड पहुँचने का फिर वहाँ से हमें रोप वे लेना होगा या जिसको हम स्काई कार बोलते हैं, तो वो लेकर हमें गेंटिंग हाईलैंड जाना है। सो लेट्स मूव। जो कुआलालंपुर सिटी के जस्ट नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन का नाम है मस्जिद जेमेक, और वहाँ से टिकट लेके फिर हम चलेंगे सीधा केएल सेंट्रल। केएल सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है। सबसे पहले मैं टिकट बता लेता हूँ केएल सेंट्रल के लिए। साथ चेंज पैसे थे वो आ गए। इन्होंने बना रखा है बस का टर्मिनल। अभी मैं एग्जैक्टली ग्राउंड फ्लोर 3rd वहाँ पर आया। होपफुली इसमें से कोई एक हो जो जाती हो। अभी हम चलते हैं टिकट पे पता करते हैं फिर जाएंगे। हमने टिकट ले लिया है, मलेशियन रिंगिट में 10 रिंगिट चार्ज है, और यहीं से फिर हमने टिकट ले लिया है स्काई बस के लिए भी। फाइनली हम पहुंच तो गए हैं सामने, लेकिन यहाँ बहुत ही लंबी लाइन है और मुझे लगता है इस लाइन को क्रॉस करने में 10 मिनट से कम तो नहीं लगना है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक लक फेवर हो गया हमारे साथ, ये बच्ची देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे एनी फीमेल विद द चाइल्ड अगर वो क्यू में है तो उनको सेपरेट लाइन में कर देते, तो जस्ट उनके पीछे हम खड़े थे, तो इन्हें लगा कि हम भी साथ में है तो हमें फिर एंट्री दे दिया इन्होंने। तो हम फाइनली बहुत ही जल्दी पहुँच गए हैं केबल कार के। हमारे से जस्ट आगे से ही लोगों को अलग कर दिया, डिफरेंट लाइन बना के हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए कहा। हम आते ही हम इस पर बैठ गए स्काई केबल में बैठ के। अब हम सीधा चल रहे हैं गेंटिंग हाईलैंड्स की तरफ, और बीच में जब आप कार से देख रहे हैं क्या है शानदार नज़ारा है। कभी कभी क्या हो रहा है कि अचानक से देखिए ये बादल आ गया और फिर बादल गायब हो गया बिल्कुल, और ऊपर से हम अभी देख रहे हैं नीचे तो हमें एग्जैक्टली जो गेंटिंग हाईलैंड में क्या क्या होता है वो यहाँ से दिख जाता है। और ये सामने जो होटल देख रहे हैं, इस होटल के पास 7,000 से ज़्यादा कमरे हैं, और ये एग्जैक्टली पूरा जो गेंटिंग हाईलैंड का पूरा बना हुआ थीम पार्क वो है। और देखते ही देखते अब हम पहुंच चुके हैं। हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, रीज़न क्या है कि यहाँ से लेट पहुँचे थे हम, और सिर्फ 3 घंटे का टाइम है हमारे पास, जिसमें से आधा घंटा मुझे लगता है एनी हो क्रॉस भी हो गया, पार कर गया, और फिर हम 7 बजे तक ही रुक सकते हैं यहाँ पे। सामने जैसे हम अंदर आए हम सीधा टॉप फ्लोर पर चले गए, वहाँ पे फूड कोर्ट है, क्योंकि हमें भूख लग रही थी हमने सोचा सबसे पहले खाना ही खा लेते। तो ऊपर से जो ये व्यू दिख रहा है आपको, एस्केलेटर्स मैंने इतने सारे एस्केलेटर्स एक साथ कहीं नहीं देखे, और आसपास का व्यू भी शानदार एकदम है। आप देखिए कि जो थीम पार्क, जैसा कि सबको पता है गेंटिंग हाईलैंड्स में थीम पार्क थीम बेस्ड पार्क है, और यहाँ पे कितने सारे जो राइड्स हैं, अलग अलग तरह के राइड्स हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, और मतलब कि आप जो भी राइड्स आपने सुना होगा देखा होगा वो सारे यहाँ पे एक जगह पे हैं। अब यहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे हैं काफ़ी सारे, हम भी इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा एक बार घूम लेते हैं इधर उधर आसपास, फिर देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें और स्पेशल हैं यहाँ पे।
और ये नीचे का जो व्यू है आप इसको देखें, यहाँ पे ये 3 कार है वो हमेशा लकी ड्रॉ के लिए लगा रखा है होता है। अब ये पता नहीं हमें कि एग्जैक्टली कौन सा लकी ड्रॉ होता है जिसके जिसमें ये मिलता है। और फिर अगर यहाँ पे मॉल के जो सेपरेट जो वैकेंट एरिया होता है, जो टॉप से बॉटम तक हम देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी LED लाइट्स लगी हुई और उस पर डिस्प्ले हो रहा है एडवर्टीजमेंट। सामने जो गैलरी है उसका व्यू भी ऑसम है। ये देखिए सामने रोबोटिक है सारा कुछ, बहुत सारे आपको रोबोट्स मिल जाएंगे सामने में। ये रोबोट है, अब अभी हम ऊपर से ले रहे हैं इसका वीडियो, पास से नहीं जाके देखेंगे रोबोट किस चीज़ का रोबोट और क्या करता है। ये थीम पार्क के जो टिकट का प्राइस है वो दो तरह से, एक तो कंबाइन जो एक साथ आप ले लें तो सारे चीज़ आप कर सकते हैं, या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं पर्टिकुलर जो आपको इंजॉय करना है, जो जिस किसी भी राइड को इंजॉय करना है तो उसके अलग से पेमेंट देकर आप कर सकते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है, हमें चलते चलते भी टाइम हो गया, ज़्यादा 2 से 3 मिनट हो गया। मुझे लगता है लिफ्ट ही लेना पड़ेगा, फाइनली ये ऑप्शन है। तो लिफ्ट हमारे सामने है, वहाँ पे मुझे पहुँचना होगा। पूरा थीम बेस्ड पार्क है, एक साइड पे इन्होंने मॉल के पूरा थीम बेस्ड पार्क बना रखा है, और जो अपोजिट साइड है, जो दूसरी साइड है, इस तरफ है, उस तरफ पे उन्होंने रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल से सब बना रखा है। और तीसरी साइड इन्होंने बेसिकली मॉल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेंटर में रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर्स जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, और थीम बेस्ड पार्क है राइट साइड में, और फिर लेफ्ट साइड में है कैसीनो। तो अगर आप कैसीनो के एंजॉय कर सकते हैं तो लेफ्ट साइड चले जाएं, अगर आप थीम बेस्ड पार्क जाना चाहते हैं तो राइट साइड आ जाएं, रेस्टोरेंट और कैफे में जाना चाहते हैं तो फिर आप सेंटर पर रहें। पहले हम चलते थोड़ा खाना हो जाए। के बाद हमें बिरयानी तो नहीं मिली पर फ्राइड राइस, यहाँ पे कुछ अलग तरह से फ्राइड राइस बनाते हैं, और ये ग्रिल चिकन मिल गया, तो देख के तो स्पाइसी और टेस्टी लग रहा है, देखते हैं कैसा आता है खाते हैं। हम सेकंड फ्लोर पे हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं। कैसीनो के शॉपिंग अगर आपको नीचे जाना है प्लाजा, और शॉपिंग रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट के लिए है तो आपको लेफ्ट साइड जाना है, तो हम लेफ्ट साइड ही चलते हैं। नीचे जब हम आए तो ये एक पर्टिकुलर जगह मिला जो इससे काफ़ी स्पेशल इन्होंने बना रखा है, स्पेशल इन द सेंस कि ये प्राइवेट म्यूज़िक बॉक्स है। यहाँ पे आप बैठ के अपनी म्यूज़िक को लाउडली प्ले भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप गा भी सकते हैं। अगर आप गाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे बैठ के जितनी तेज़ आवाज़ में गाना चाहते हैं गा सकते हैं। यहाँ पे पूरा सिस्टम बना रखा है इन्होंने, माइक है, साउंड सिस्टम है, सारा है कंप्लीट है, और फिर यहाँ पे बैठ के टी कॉफ़ी स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो इसका अलग से चार्ज लेते हैं वो जो काफ़ी कॉस्टली है, नियर अबाउट अगर मैं लिस्टन रिंगेट में बात करते हैं 50 रिंगेट है पर आर के, तो पर लेकिन यहाँ पे एक एक्सपीरियंस अलग सा ही होता है। आप कभी अगर इंजॉय करना चाहें और चाहें इसको ट्राई करना तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जैसे हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो फिर यहाँ से फूड कोर्ट का एक से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाता है, तो हमने ऑलरेडी तो खाना खा ही लिया है, तो अब टाइम भी हो रहा है तो हम वापस चलते हैं। अब वापस आने के टाइम भी फिर से वही प्रॉब्लम, लाइन बहुत लंबी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जैसे आप ऊपर आते हैं तो वहाँ पे रिटर्निंग टिकट का ऑप्शन होता है, आप स्काई कार से रिटर्निंग टिकट साथ में लेके आ सकते हैं, और नहीं तो आके आप ऊपर भी ले सकते हैं। तो हमें पता नहीं था तो हमने वो नीचे नहीं लिया था रिटर्निंग टिकट, और फिर जब ऊपर टिकट लेने आए तो ऊपर में एक तो टिकट की लाइन और फिर से इतनी बड़ी लंबी लाइन, तो हमने क्या किया कि हम किसी को मैंने वो लाइन में खड़ा कर दिया और चला गया मैं टिकट लेने के लिए। जब तक मैं आया तो आधा लाइन ऐसे ही क्रॉस हो गया था, तो ये थोड़ा सा मैंने ट्रिक अपनाया जल्दी पहुंचने के लिए। और जब वापस आ रहे हैं तो सिर्फ आप सीन देखिए ऊपर से कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बोलने की कुछ स्थिति में नहीं हूँ, वो क्यों नहीं है आपको समझ में आ जाएगा, आप देखिएगा मैंने क्यों नहीं कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड किया। सो अभी तक के लिए इतना ही, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
நாம சொல்லிடுவோம்.